तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है। हालांकि ये सिटकॉम पिछले काफी समय से विवादों में छाया हुआ है। इस शो को छोड़ चुके कई एक्टर्स ने मेकर्स पर तमाम आरोप लगाए। वहीं 14 साल तक टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने भी बकाया राशि भुगतान नहीं किए जाने पर मेकर्स के खिलाफ केस किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शैलेश ने ये मुकदमा जीत लिया है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शैलेश लोढ़ा द्वारा तारक मेहता शो के मेकर्स के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे का फैसला इस साल की मई में आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला कि समझौते की शर्तों के अनुसार शो के मेकर असित मोदी द्वारा शैलेश को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 1,05,84,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। शैलेश ने आगे कहा कि वह इस फैसले से खुश है। उन्होंने कहा, ये लड़ाई कभी पैसों को लेकर नहीं थी, ये न्याय और आत्मसम्मान की तलाश के बारे में थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई लड़ाई जीत ली है और मुझे खुशी है कि सच्चाई की जीत हुई। इसके अलावा शैलेश ने शेयर किया कि कैसे उनकी लड़ाई से एक अन्य एक्ट को मदद मिली जो शो का हिस्सा था। शैलेश ने कहा, एक्टर्स में से एक जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको 3 साल से ज्यादा समय से भुगतान नहीं किया गया था। मेरे द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउस द्वारा बुलाया गया और उनका बकाया भुगतान किया गया। उन्होंने इसके लिए मुझे थैंक यू कहने के लिए फोन भी किया। वेल, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।